अगर शादी के साल भर बाद भी आपको पोता पोती के मुंह देखने को नहीं मिला है तो आप समझ जाइए कि आपके बेटा में कोई प्रॉब्लम है। आपके बेटा नपुंसक है, नपुंसक। ए, हमर बेटा नपुंसक नहीं है, उसमें हमरे खून है। आपके पुतों में कोई कमी होगा। हाँ, ये हो सकता है। अगर आपको पोता पोती के मुंह देखना है तो हमारे जड़ी बूटी वाले तेल को अभी मंगवाइए। क्या साला, क्या टाइम पास करते रहता है, चैनल में चेंज कर देते। ए, ए, मुर्गा, इस साला भी तू चैनल चेंज किया ना तो साला प्लास्टिक लपेट के कमर में ओढ़ के इतना करेंगे ना कि साला तुम पड़ोसी के लगेगा कि बुढ़वा साला कुरकुरे खा रहा है। रे बेटा, रेशन आजकल टीवी में कौन सी चल रहा है बाबू, चैनल टीवी बंद कर दे बाबू, टीवी बंद कर दे। कथी हुआ बाबा, काहे इतना डर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी जैसा कोई भयानक औरत टीवी में देख लिए थे। बैठो ना बाबू, बैठो ना, तुमसे कुछ बात करना है। बोले हैं खुशखबरी कब सुना रहा है, जब हम मर जाएंगे तब। फेकन के पोता हो गया और ढेस भाई भी पोती के मुंह देख लिए। अरे रजकिशोरवा के तो जुड़वा पोता पोती हो गया, तुम्हारा खून कब खौलेगा रे? बच्चा हो जाएगा पापा सही समय आने पर। सही समय? अरे साला सही समय तुम्हारा कब आएगा? देश को आजाद हुए 75-77 साल हो गया, तुम्हारा समय कब आएगा? शादी के 3 साल हो गया तुमको। अरे हम तो शादी के 3 साल बाद 4 को बच्चा जन्मा दिए थे। पापा लेकिन हम तो अकेले हैं। पड़ोस में आए बैगन है, हमर मतलब कि छोड़ो नहीं सब बात, तुम ही बताओ खुशखबरी कब सुना रहा है, हम कब पोता पोती के मुंह देखेंगे? पापा सही टाइम आने पर हम फूलमती कर लेंगे बच्चा। चुप चला, तुमसे तो बातें करना बेकार है, हमर बात हमर पुतोहे मानेगी। बहू, ए बहू, बहू टन का बाहर आओ। जी बाबू जी। हमसे कल समधी जी मतलब कि तुम्हारे पापा बोल रहे थे कि नाती नटनी का मुंह कब देखने को मिलेगा? वो तो समय आने पे दिखेगा बाबूजी। अरे समय समय समय, अरे तू लोग के कब आएगा समय? अरे अगर हम जवानी में अपना समय देखे होते ना तो आज तुम इसका मुंह नहीं देख रही होती, ऐसा कुकुर बिलार परिस के नहीं देते तुमको। अरे समय के चक्कर में, ए बेटा इधर सुन, अरे तुम सब जितना समय ले रहा है ना बाबू, उतना समय में हमारा समधी जी के ऊपर जाए के समय आ जाएगा। इतना समय समय खिला दिया तू सब, थक साला। फिर से क्या हो गया बाबूजी को? वही पोता पोती के मुंह देखने वाला। तो दिखा दीजिए। तो चलो। The Bluetooth device is connected successfully. खैनी बना हो फुलझारी भाई? अरे मिस रहे हैं, मिस रहे हैं, जितना मथिएगा ना उतना मजा बढ़ता है। अरे फुलझारी तुम साला एक नंबर का भरुआ है। What? अरे दबा ऐसे रहा है जैसे खैनी न तोर मौगी के। रामरू भाई, अब भरुआ नहीं रहते तो 4 गो धिया पुता के ना जन्मा देते। जन्माने से याद आया, उरज किशोरा का पत्तो ही अपना मर्द को अपने में सटने नहीं देती है। आए? हाँ, उसका एक बॉयफ्रेंड है, उसी से बतियाती है। अरे तो उसका तो 2 बाल बच्चा है ना हो। नैहर वाला यार के है। अरे बउआ तनी 2 चकलेट देना, घरे हमर पोता पोती इंतजार कर रही होगी। रामरू भाई के तरह हमर बेटा थोड़ी ना है, 3 साल बियाह के हो गया अभी तक पोता पोती के मुंह नहीं दिखाया है। अरे फुलझरिया जवान संभाल के बात बोलल कर। रामरू भाई गलती से हो गया है, माफ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम नो मिस्टेक्स। अरे छोड़ो लो मर्दवा, तो हम लोग बेकार के बात लेके बैठ जाला लो, आज ना तो कल रामरू भाई के पोता पोती हो जाए। ना ना ऐसा नहीं होने वाला है, अरे भरी गांव जानता है कि रामरू के बेटा में पावर नहीं है। अरे फुलझरिया चोरा माइक के माइक को, अरे साला तू हमारा इतना बेटा के बारे में गलत कैसे बोल दिया रे, तुमको माथा पर चढ़ा लिए तो सर के मुटे लगेगा। अरे अब इतना भीतर में पावर है कि सर
कनिया के फीटर फीटर कर देंगे। छोड़िए रामरू भाई, झगड़ा नहीं करिए। ये आप ठीक नहीं किया रामरू भाई, आपको देख लेंगे। कम हेयर, कम हेयर, साला खोइनी का मेरा पैसा से खाता है रे, धमकी हमको दे रहा है। किसी दिन गाल के घुंघरू बांध के इतना बेजोर तरीका से पेलेंगे ना कि पड़ोसी के लगेगा मुजरा चल रहा है। अब बैठिए रामरू भाई। अरे आग जा साले ना, तो बैठिए रामरू भाई, नहीं तो तुम्हारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाए। अरे नहीं झूलन भाई, बात तो फुलझरिया सही कह रहा था। शादी के 3 साल हो गया है लेकिन अभी तक पोता पोती के मुंह नहीं देखे हैं। अरे हौसला रख रामरूप भाई, समधिया समधिनी से बात करके देखो वो लोग कुछ अपना बेटी के समझा सके। अरे हम तो कितना बार समधी जी को बोले हैं फोन पर। फोन पर? अरे मर्दवा फोन पर कोनो बात के भाईली होखेला, घरे बोला के तब जाके बतियाओ। अरे हम तो समधी जी के बुलाते हैं लेकिन वो आते ही नहीं है, कहते हैं कि बेटी के घर के पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मुँह पीना चाहिए ना, मतलब लाल पानी पिया वो तो पियेंगे ना। हाँ एक मिनट। हेलो समधी जी, घर पे आइए ना जरा, इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना है। ठीक ठीक है रामरू भाई, हम भी चलते हैं, हमको भी तिसर का टांग का सर्विसिंग कराना है, मतलब मोबिल पल्टी कराना है। बजबे छिनारवा इहो की सरवा, हम तो झूलना के शरीफ समझित रहली। संधी जी। जी 3 घंटा से बुला के बैठले हैं, ये नहीं बता रहे कि काहे ला बुलाए हैं। अरे संधी जी, अरे संधी जी। जी इधर इधर ऊपर देखिए, ऊपर ही। अरे ऊपर देखिए ना महाराज। अरे ऊपर आइए। अच्छा इधर है, एक काम कीजिए, स्मॉल पैक क्यों पी रहे हैं, लार्ज लीजिए लार्ज। रामरूप जी। जी पानी नहीं, बेटी का घर का हम पानी नहीं पीते हैं, पाप ना लगेगा। वाह वाह, उच्च विचार है आपका। अरे हमको पता था कि आप पानी नहीं पीजिएगा, इसीलिए हम आपके लिए व्यवस्था कर दिए थे। हाय देखिए, सुबह सुबह हमारे दरवाजा पे कुत्ता मुट रहा था, हम उसका पेशाब छान लिए। हाय पीजिएगा ना। अरे रामरूप जी, ये तो हम पियेंगे, डालिए इनमें डालिए। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ, अपना अपना पगर के खूब हिलाते जाओ। क्या शेर हो गया समझी जी। अब क्या हुआ रामरूप जी? 3 साल हो गया है शादी का लेकिन आज तक आपकी बेटी हमको एगो पोता पोती का मुंह नहीं दिखाई। अरे तो ये बात अपना बेटा के न कहिए जी। अरे हम तो अपना बेटा को 100 बार बोल चुके हैं, हमको तो लग रहा है आपकी बेटी में कोई कमी है। देखिए रामरूप जी, हमर बेटी पे लांछन लगावे से पहले अपन चोली में झांक लीजिए। अपन झोली में झांक लीजिए। हमर बेटा में कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं है? अरे शादी के 3 साल हो गया, अभी ले हम नाती नतनी के मुंह नहीं देखे। अरे आपका तो बेटा के पावर खत्म हो गया है। पावर? हेलो, पावर से शुरू होला। अरे जब टेस्टफार्मा बनाए वाला इंजीनियर के अभी पावर खत्म नहीं हुआ है तो टेस्टफार्मा कैसे खराब हो जाएगा? रामरूप जी धोती नहीं खोलिए, नहीं तो ब्लैक कोबरा फफकार मारे लगेगा। धोती नहीं खोलिए,
लीजिए ससुर जी चाय। रामरूप जी आई एम सॉरी, हमको पावर वाला बात नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, आप चाय एंजॉय कीजिए। दामाद जी आइए बैठिए। जी ससुर जी। कोई दिक्कत है? नहीं ससुर जी। नहीं कोई दिक्कत है बोलिए ना। कोई दिक्कत नहीं है ससुर जी। कोई दिक्कत है तो बताइए ना दामाद जी। ना ना ससुर जी कोई दिक्कत नहीं है। अरे भोसरी वाला, जब दिक्कत नहीं है बताओ, 3 साल हो गए ना तुम्हारा शादी के जी, अभी ले को नाती नतनी का मुंह नहीं दिखाया है। शामजी जी। जी सॉरी रामरूप बाबू। हमको कुछ बोल दीजिए लेकिन मेरा बेटा के ऊपर एक उंगली मत उठाइए। अरे काहे न उठाए जी, अरे आपका बेटे में है कमी। अरे नहीं विश्वास है तो डॉक्टर बुलवा के चेक करवा लीजिए। डॉक्टर? हाँ। अरे तो अभी हम बुला देते हैं डॉक्टर को, 10 मिनट में आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ तो करिए ना कॉल डॉक्टर। हेलो डॉक्टर मजबूत, 10 मिनट में रामरूप निवास पर पहुंचो तो आ रहा है। किन्हें है मरीज? 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 ये मरीज डॉक्टर साहब, ये मेरे समधी हैं, इसका चेचिस करना है। बाबू हाथ दिखाओ, बढ़िया से चेक कर दीजिएगा। की प्रॉब्लम है बाबूजी? डॉक्टर की प्रॉब्लम है, चेक करने दीजिएगा। सब चीज तो ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास है। अरे जब सब चीज ठीक है तो लड़का हो काहे नहीं रहा है, ये हमको चेक करके बता दीजिए। देखिए हमको 2 मिनट पूछताछ करने दीजिए। बाबू तुम्हारे और तुम्हारे बीवी के बीच शारीरिक संबंध कैसा है? शारीरिक संबंध मतलब? अरे मतलब भौंप भौंप होता है? अरे बहुत अच्छा है, सुबह होता है, शाम होता है, दिन रात होता है, कल होता है, परसों होता है, हर एक मंथ होता है, हर एक साल होता है। कैसे होता है ये बताओ। देखिए डॉक्टर साहब, अब बच्चा पेट में होता है, अब पेट का कनेक्शन पीछे से होता है तो पीछे से करते हैं। रामरूप जी। जी। बैठिए। रामरूप बाबू हमको माफ कीजिए। हो गया चेचिस। जी हो गया। आप लोगों का कहना है कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पे काहे नहीं पहुंच रहा? अरे ट्रेन प्लेटफॉर्म पे इसलिए नहीं पहुंच रहा है कि जो पटरी पर नहीं जा रहा है ट्रेन, वो तो दूसरा पटरी पर जा रहा है। अब जो है आप लोग हमको माफ कीजिए, मेरा फीस भिजवा दीजिएगा और इसको मारिए। मारिए? हाँ एकदम मारिए। मारिए। अरे अरे डॉक्टर।